या उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो सूबे में कमान होती है जिनके हाथ में, संगठन के कप्तान आप इन्हें कह सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आला कमान से नाराज हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि उनका एक बयान सामने आया, कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों में हो रही देरी को लेकर उनसे जब हमारी टीम ने, इंडिया वॉइस की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने इस देरी का सारा ठीकरा आला कमान पर बोल दिया। करण महारा ने कहा यह सवाल दिल्ली हाई कमान से करिए जो आप मुझसे कर रहे हैं कि देरी क्यों हो रही है। दिल्ली हाई कमान ही बताएगा कि देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सब फैसले सब निर्णय वहीं से होते हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर सीधे तौर पर यह कहे कि दिल्ली से पूछिए कि फैसला कब होगा, तो सवाल यह कि आखिरकार क्या जो दिल में दर्द है उनके देरी को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश भी दे रहा है। यानी कप्तान हैरान है, सेना परेशान है और योद्धा अलकान है। योद्धा कहां है? हरिद्वार और नैनीताल में, यह एक सवाल बना हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वही से हुआ है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन। तो सुना आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस दो सीटों पर प्रत्याशियों की कश्मकश में है। दोनों सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व में प्रत्याशियों को लेकर मोहर नहीं लग पा रही है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की टिकट को लेकर दखलंदाजी से निराशा अब झलकने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी पार्टी के टिकट के लिए अब परेशान नजर आ रहे हैं। पहले एक बार फिर सुनिए उनका बयान। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वहीं से होना है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वहीं से होना है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वहीं से होना है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। नामांकन करने की आखिरी घड़ी नजदीक आ रही है, महज चंद दिन बाकी है। लेकिन अभी भी हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर मोहर नहीं लगा पाए। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी उम्मीदवारों के टिकट कब फाइनल होने के जवाब से परेशान दिख रहे हैं। सूत्रों की माने तो हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत ने अपना पेच फंसा रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे वीरेंद्र रावत प्रत्याशी बने। आलम यह है कि प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शनिवार से हरीश रावत ने हरिद्वार में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और वहीं उनके बेटे भी हरिद्वार लोकसभा सीट से एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं खबरें ये भी उड़ रही हैं कि उधम सिंह नगर से कांग्रेस महेंद्र पाल को टिकट दे सकती है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के टिकट बंटवारे में हस्तक्षेप से हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुकी है और लगता है कि अब उसी की नाराजगी झलक रही है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वहीं से होना है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वहीं से होना है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वही दो सीटों का निर्णय वहीं से होना है। तीन सीटों का हमारा हो गया जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। बीजेपी ने जहां 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो सभी कार्यकर्ता और बड़े नेता पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए। बीजेपी की माने तो कांग्रेस ने अभी से अपनी हार मान ली, जिसकी वजह से प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भारी हताशा है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है और पूरा संगठन सक्रिय है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में अभी 2 उम्मीदवारों का जो है घोषणा अभी बची हुई है। और हालत यह है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को यही पता नहीं है कि ये घोषणा कब होगी। 2 सीटों पर कांग्रेस की प्रत्याशी फाइनल ना होने से रणनीति पर रायता फैल चुका है। वहीं कार्यकर्ता भी असमंजस की स्थिति में साफ तौर पर दिख रहे हैं।
अब देखना होगा क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस टूट से उबर पाएगी या उसका खामियाजा पार्टी और समर्थकों को भुगतना होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। तो सेना हैरान है, योद्धा हलकान है और कप्तान परेशान है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। लखपत बड़ोला जी कांग्रेस के चेहरों में से एक हैं और साथ साथ उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लखपत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है कि मामला नॉट रीचेबल है जैसे प्रत्याशियों का है। प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश करिए। उमा जी देखिए लखपत जी तो अभी जुड़े नहीं है, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कप्तान कह रहे हैं कि भाई मुझसे मत पूछो, हम उनसे पूछ रहे प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, मुझसे मत पूछो, दिल्ली बात करो, ये बात दिल्ली से करो। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, हर व्यक्ति वही सवाल पूछ रहा है कि भाई कब। कप्तान कह रहे हैं दिल्ली बात करो, ये चल क्या रहा है उमा जी? देखिए वाकई में मैं करण महाराज जी की मैं इस प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ और हमारे हिंदुस्तान की राजनीति का ये एक स्याह पक्ष भी है। मैं इस बार इसमें मैं बहुत खुशफहमी में नहीं हूँ और मैं इसमें आम आदमी पार्टी को भी इंक्लूड करूंगी कि सारी शक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं हाईकमान के हाथों में होती। यहाँ से आप पैनल बनाकर भेज देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तो वो यहाँ से पैनल 4-5 लोगों का पैनल जाएगा और दिल्ली में जो हमारे जो संगठन के बड़े लोग आप गलत लेगी बात, ये तो सबको मालूम है, ये तो फार्मूला सबको मालूम है ना जी। यहाँ से पैनल वो तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लखपत जी को, वीरेंद्र जी को भी मालूम है कि भाई नाम यहाँ से जाएंगे वहां दिल्ली में फाइनल होंगे, मसला वो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जाके दिल्ली बात करो, मुझसे मत करो, वो ये कह रहे हैं। देखिए महाराज जी ने अपने नाम फाइनल करके दिल्ली भेज दिए हैं, तो इसे महाराज जी बेचारे गलत क्या बोल रहे हैं? दिल्ली को निर्णय लेने में अगर देर हो रही है तो इसे महाराज जी की गलती तो है ही नहीं। ये देरी जायज मानते हैं? बिल्कुल जायज नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल जायज नहीं मानती हूँ। बिल्कुल ही इनको जल्दी से जल्दी अपना नाम, मुख्य प्रत्याशी का नाम बिल्कुल घोषित कर देना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आए, उत्साह आए और वो पूरी मुस्तैदी के साथ निकले। लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस का संगठन अपने आप में इतना बड़ा संगठन है और इनके पास इतने कार्यकर्ता हैं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रत्याशी का नाम जनता तक पहुंचाने में। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हो कि बारात तैयार है, बैंड बाजा सब कुछ तैयार है, दूल्हा ढूंढा जा रहा है, जब मिल जाएगा किसी को घोड़ी चढ़ाई देंगे। ठीक है, एक बात लखपत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ लखपत जी दिल्ली बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ क्या बोले क्या नहीं, कोशिश करिए। वीरेंद्र जी आप लोग खूब मजे ले रहे हो कि भाई बुलाओ योद्धा, बुलाओ कौन है कहाँ है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आप लोग एक तरफ कह रहे हो कि 5 लाख और इतना भयभीत कर दिया कि भाई वो प्रत्याशी ढूंढने में लाले पड़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस विषय है, सही है, कब वो करती है, करती भी है, नहीं है, करता भी है, ये वो वीरेंद्र जी अगर प्लीज फोन पास में ले आए तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। मेरा फोन हमेशा ये आपके आवाज आप, हाँ सर कट के आ रही है आवाज, लेकिन आ रही है धीमे धीमे। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड करेगी कि क्या होने वाला है, लेकिन जो अध्यक्ष जी का जिस तरीके से स्टेटमेंट आप सुना रहे थे उससे निश्चित रूप से आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जिस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उस वे ऑफ टॉकिंग से, उस बॉडी लैंग्वेज से लगा कि जो कुछ हो रहा है, जो उनके संज्ञान में है, उससे वो प्रसन्न नहीं है। तो ये विषय उनका है जो हमने समझने का प्रयास किया है। और जहां तक हमारा विषय है, हमारे दल का विषय है, हम ईमानदारी से पूरी 5 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेनिंग है उसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी पदाधिकारी सभी लोग लगे हैं। ऐसे नहीं कि हमको वॉक ओवर मिल गया है तो हम चुनाव को बहुत हल्के में ले रहे हैं, हम चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे नहीं, हैं। ये बात किसने कही वॉक ओवर मिल गया आपको?
नहीं, मैंने कहा आपको कि ऐसा नहीं कि हमको वॉक ओवर मिल गया, जैसे अभी दो जगह इनकी सीटें नहीं डिक्लेयर हुई है। नहीं, आपने उपाध्याय जी को सुना नहीं, वो कह रहे हैं कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, वो कभी भी किसी को भी कहीं से भी लड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता इतने हैं कि अब वो खोजे नहीं मिल रहे हैं, और जो है भी दो चार सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के वो सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। हाँ। तो ये उमा जी नहीं जानती है, उमा जी के तो दो दो बार पूरा दल बल, दो बार तीन बार जिन लोग के जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, कन्वीनर बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो पूरा दल बल लेके जो है पार्टी में शामिल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आखिरकार ऐलान हो पा रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या लगता है उमा जी आपको? मैं बताऊं, हाँ वीरेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वीरेन जी आज बिल्कुल कूल मूड में है, कह रहे हैं कि आज तो बताइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने असहजता उनके अंदर देखी है प्रदेश अध्यक्ष जी रण मेहरा जी के अंदर, वो उनके बेटे को टिकट देने के विषय में खुश नहीं है, जो कि उन्होंने पहले भी दिल्ली में ये आपत्ति जताई थी जैसा मालूम चला था कि या तो आप लड़ लीजिए या मुझे लड़ लीजिए, लेकिन बीरेंद्र रावत के लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। और अभी की जो परिस्थितियां लग रही है, जो आज जिस तरीके से नारसन से लेकर हरिद्वार की तरफ अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का काफिला बढ़ा है, उसमें उनकी उनसे ज्यादा उनके बेटे के गले में माला पड़ रही है। अच्छा, तो वो अघोषित हो गए हैं, जैसे महेंद्र पाल जी को लगभग तय माना जा रहा है कि वो नैनीताल से चुनाव लड़ेंगे, मतलब स्वयं भू प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब हो सकता है या तो पार्टी ने उनको इशारा कर दिया होगा कि दो चार दिन में हम डिक्लेयर करेंगे, आप तब तक घूमना फिरना शुरू करो। तो ये उमा जी वो ये कह रहे हैं कि मसला वही है परिवारवाद, वो कह रहे कि नहीं परिवार को नहीं कह रहे, नहीं परिवार को ही टिकट दो। देखिए, मैं वीरेंद्र जी की एक बात को सुन के मेरे को थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी, वो मुझे त्रिवेंद्र रावत जी याद आ गए। वीरेंद्र जी ने कहा कि जो करण महाराज जी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो कितना असहाय फील कर रहे हैं। भाई, मुझे त्रिवेंद्र जी का वो चेहरा याद आ गया जब वो बेचारे गैर श्रेणी से सत्र लेकर आ रहे थे और शाम को पता चला उनके नीचे से तो गद्दी हट गई है, तो उस समय जो उनका चेहरा था वो भी हमने मीडिया में बहुत देखा है। तो नहीं, 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 चेहरा, नहीं, चेहरे पर मत जाओ, चेहरे पर मत जाओ, चेहरे ने लाखों को गाना था ना, चेहरे ने लाखों को लूटा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा गंभीर विषय है, इन्हीं चेहरों के आधार पर ही तो बहुत कुछ हो जाता है ना। ये तो तय करने में देर नहीं लगाते कि आप सुबह बोलते हैं मुख्यमंत्री बहुत अच्छा और शाम को वही मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर अगले दिन चुनाव लड़ रहा है सांसद का। आपके यहां तो मुख्यमंत्री जेल चला जाता, कहता नहीं भाई मुख्यमंत्री हूं, बोले इस्तीफा कौन देगा, बोले नैतिकता खूटे पर, बोले आपने तो कहा था रामलीला मैदान में नैतिकता, बोले नहीं वो तो बात गई, अब नैतिकता यही है कि जेल से ही सरकार चलेगी। नहीं उमा जी, देखिए जिस अलोकतांत्रिक तरीके से केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया गया है, आपको लगता है चावला जी की ये सही है? जिस तरीके से नहीं, वो कोर्ट तय करेगा ना उमा जी, या तो बोलोगे हमें कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है ना, खाता ना भाई, जो केजरीवाल बोले वही सही, ये हमने कभी नहीं कहा कि हाँ, तो फिर ये कोर्ट का मान रखिए कम से कम, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर वाईवे चंद्रचूड़ सिंह जी पर बचा है हमारा। आप लोग खुद बोल चुके हो कि मैं एनार्किस्ट हूँ, फिर इससे ज्यादा कहाँ बात बचती है। कहने के लिए तो ये भी कहा गया था कि मैं दो करोड़ नौकरियां दूंगा और मैं सारी क्या कहते हैं, आज विषय वो नहीं है, विषय तो पता नहीं कितना है। ये भी कहा गया तो मुझे चौराहे पे लाके, आपसे मैंने पूछा कि देरी क्यों हो रही है, आप सहयोगी हो ना मैडम, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग बहुत बहुत कूल यहाँ से निकल गए कि भैया हमसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, प्रत्याशी ना चेहरा ना संगठन ना नेता। चावला जी देखिए, मैंने अभी भी कहा कि कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को बहुत जल्दी घोषित कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी घोषित कर देना चाहिए, एक एक दिन भी हमारे लिए बहुत कीमती है और जल्दी से जल्दी हाईकमान को इस पर निर्णय लेना चाहिए। हम मैं बिल्कुल इस बात को बोल रही हूँ, और अगर आज वीरेंद्र रावत जी और हरीश रावत जी ने आज अगर अपनी रैली की है तो मैं बिजली की बात से भी सहमत हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं उसको इशारा किया गया हो कि आप अपने क्षेत्र में जाना शुरू करें और हम ये नाम की घोषणा करें। वीरेंद्र जी, वो आप एक तरफ कह रहे हो तो स्थिति साफ है ना, मुकाबला तो वही है ना कि चाहे बेटा लड़े या पुत्र लड़े, लड़ना तो रावत को ही है ना, त्रिवेंद्र रावत वर्सेज हरीश रावत हो या वीरेंद्र रावत, रावत वर्सेज रावत ही होगा। नहीं नहीं, अब जब जहां तक हमारा विषय तो बहुत स्पष्ट हो गया, हमारा नॉमिनेशन भी हो गया है। अब उनका जो विषय जो सामने दिख रहा है, जो हमें भी राजनीति कितने साल करते हुए हो गई, जो हम समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे यही आवाज हो रहा है
कि हरीश रावत जी के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और अच्छा। जो भी चुनाव लड़े हमारी शुभकामनाएं हैं, हम सामने हैं और हमने जो डिलीवर किया, हम तो जो हमने किया है हम उस पर वोट मांग रहे हैं। हाँ। जो उन्होंने किया है नहीं किया है, जो वहाँ की जनता उनको जवाब देगी, हम वहाँ की जनता हमको जवाब देगी। उमा जी जैसे ऐलान होगा देखना वीरेंद्र जी के ट्विटर हैंडल जो है बीजेपी के, वो सब लिखा होगा परिवारवाद इस टाइप का। देखिए हरीश रावत का परिवारवाद, आप बताइए, वो तो प्रमाण के साथ दिखाएंगे, फिर कहेंगे देखिए हरिद्वार से बेटा यहाँ और बेटी यहाँ, पत्नी को चुनाव लड़ाया, इनको कहेंगे यही तो परिवारवाद है। और फिर ऐसा ना हो कांग्रेस संगठन के नेताओं के लिस्ट निकाल ले, कहें थे कि ये देखिए ये परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। परिवारवाद में से सभी पार्टियां कहीं ना कहीं कोई कम कोई ज्यादा ग्रसित है। यहाँ पर भी नेहा जोशी जी के लिए टिकट मांगा गया और काफी काफी मेहनत के साथ मांगा गया, वो बात अलग है कि उनका टिकट बीजेपी ने नहीं किया। और इसके अलावा भी बहुत सारे बीजेपी में मैं अगर कहूँ तो बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ पिता पुत्र पुत्री सब लोग राजनीति में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर राजनीति में पूरा परिवार अगर राजनीति के रूप में देश की सेवा में लगा है तो इसका मतलब ये नहीं, नहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरता। उमा जी मनोबल गिरता है कि नहीं गिरता कार्यकर्ताओं का, जब ये पता हो कि झंडा और ढंडा उठाना किसके लिए है। अब उमा जी को बोलना जिंदाबाद के नारे, अब उमा जी को यही नहीं मालूम कि जिंदाबाद के नारे लगाने किसके हैं। नहीं बिल्कुल जी, मैं आपके पास से पूरी तरह से सहमत हूँ, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि एक ही परिवार के लोगों को आप टिकट देते रहे। और बहुत सारे कार्यकर्ता जो 20 साल से 30 साल से राजनीति में लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन ये अपवाद नहीं है, हर एक पार्टी देती है। इसमें आप सिर्फ ये कहेंगे सिर्फ कांग्रेस देती है ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी दिए जाते हैं। हाँ। मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी में भी दिए जाते हैं, ये गलत है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मथुरा जी भी आ गए, मथुरा जी आ गए, ये है सब जगह। मथुरा जी आ गए, मथुरा जी कैसे हैं आप? नमस्कार, आपके आशीर्वाद। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे जुड़े। आपके मित्र जो थे उनका नेटवर्क नहीं आ पा रहा था और वीरेंद्र जी को लग रहा था ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे आप लोग हरिद्वार और नैनीताल से रण छोड़ के भाग गए। कह रहे कि नहीं आएंगे, नहीं मैंने कहा नहीं आएंगे। अच्छा ये वीरेंद्र जी कह रहे थे कि हमने 5 लाख का नारा दिया, ये लोग अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, और आप ही के कल सहयोगी थे शीशपाल जी से मैंने पूछा तो कह रहे थे कि वक्त लिखो, वक्त तारीख लिखो और समय के साथ जगह भी बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। आप बताइए पूरा दिन निकल गया साहब। जोशी जी चल क्या रहा है अभी दिन नहीं निकला, 3 घंटे बचे हैं, आप इंतजार कैंडिडेट पूरे मैदान में हैं, सब लोग अपना अपना काम। सर फोन पास ले आइए तो अच्छा होगा थोड़ा सा। सारे लोग मैदान में हैं, अपना अपना काम सब कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और कांग्रेस के उम्मीदवार 3 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, 2 उम्मीदवार और घोषित होने हैं। और मैदान में तो सब आ ही गए हैं, जिसने लड़ना है उनको बता दिया गया है। अच्छा लड़ना है उनको बता दिया गया है, प्रचार प्रसार सब अपना अपना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें क्यों इतना असमंजस में रखा हुआ है, हमें भी बता दो, जब उनको बता दिया तो हमें बताने में क्या दिक्कत है, कम से कम जिंदाबाद के नारे तो लगाएंगे। उमा जी को मैंने बता दिया था, उमा जी को, और नहीं बता दो आप जोशी जी, हम भी आपके मित्र हैं, बता दो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं उमा जी को भी बिल्कुल बता देंगे, उमा जी हमारी छोटी बहन है, उनको नहीं नहीं, नहीं आपकी तो छोटी बहन है, हम भी तो आपके मित्र हैं, हमें ही बता दो। आपको भी बता दूंगा मैं, आप जैसे ही आपका ये डिबेट खत्म होती है मैं तत्काल आपको बता दूंगा। अच्छा मतलब चुपके से बताओगे आप सबके सामने? राजनीति में कुछ चीजें चुपके भी बतानी पड़ती है। मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पिता या पुत्र दोनों में से एक। नहीं ये तो स्वाभाविक बात है। और वीरेंद्र जी कह रहे हैं मुझसे लिख लो कि वहां पर जो है वो कह रहे हैं कि वो जो पुत्र हैं उनकी माला ज्यादा पड़ी थी गले में, कह रहे हैं मुझसे पूछ लो उन्हीं का ही फाइनल हुआ है, मुझे तो ऐसा बोल रहे हो। अब बिजी हमारे पुराने मित्र हैं और हमारे भतीजे का हो गया है। धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, आप उनको भी बधाई दीजिए, बड़े भाई को भी, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं वो भतीजे का हो गया, आप खुश तो है ना? नहीं नहीं अब बीजी का आशीर्वाद भी तो चाहिए, भतीजे को जिताना है, अगर भतीजे हो ही गया है तो बीजी आशीर्वाद भी तो देंगे भतीजे को। बताइए आज तक चाचा को टिकट नहीं मिला, भतीजा वहां पे है चुनाव लड़ रहा है। नहीं जोशी जी जी जी, जी आप देखिए वीरेंद्र जी तभी तो कह रहे कि 5 लाख का टारगेट हमने ऐसे नहीं रखा, सोच समझ के रखा है, कह रहे 5 लाख पक्का है मार्जिन, और कह रहे हर सीट पर वॉकओवर दे रहे हो आप लोग। अब ये तो बीजी जाते बता सकते हैं कि वॉकओवर है या भाजपा की जमीन खिसक रही है, भाजपा को कितनी परेशानी हो रही है। सर जमीन कैसे खिसक रही है, वो प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं अपना,
वहां ऐलान कर दिया 10 दिन पहले कि भैया जाओ अपना चुनाव लड़ो, जमीन उनकी खिसक रही है, वो कह रहे 5 लाख से हराएंगे प्रत्याशी, आप घोषित नहीं कर पा रहे, आपके बड़े नेता कह रहे चुनाव ना लड़ेंगे हम। तिलक जी 10 दिन पहले तो हमने तो घोषणा कर दी थी, हमारे भी तो 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए, 2 उम्मीदवारों में निर्णय हरीश रावत जी को लेना है। हाँ। जो निर्णय हरीश रावत जी ये देखिए फैसला हो, करण महाराज जी कह रहे हैं फैसला हाईकमान लेगा, आप कह रहे हो हरीश रावत लेंगे फैसला। नहीं नहीं अब हाईकमान माने उसमें जोशी जी मैं सुनाना चाहूंगा आपको, जोशी जी को वो बयान सुनाएगा। जोशी जी हमने पूछा आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कब ऐलान होगा, तो वो कह रहे हैं कि मुझसे मत पूछो, दिल्ली बात करो, मतलब गुस्सा हो रहे थे बहुत, आप सुनना चाहेंगे? नहीं मैंने खुद ही देख लिया था बयान, सुना बयान है मेरे सुना दीजिए एक बार जोशी जी को सुना दीजिए, हमने पूछा था हमारे सहयोगी ने तब वो नाराज हो रहे थे, प्लीज प्ले करिएगा एक बार जोशी जी को सुनाइएगा। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए क्योंकि वही 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है, 3 सीटों का हमारा हो गया जिसमें 2627 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है, 3 सीटों का हमारा। जोशी जी जी ये तो सबको मालूम है दिल्ली से फाइनल होगा, लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रहे थे दिल्ली जाके बात करो? अब सवाल ही कुछ ऐसा आ गया होगा तो अध्यक्ष जी को ये कहना पड़ा होगा। नहीं सवाल तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ जो आपसे हमने उनसे जो पूछा कि कब ऐलान होगा। अब अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा, हम लोग भी यही कह रहे थे भाई दिल्ली, हमने अपनी लिस्ट दे दी, दिल्ली में बातचीत होगी। नहीं आप जैसे बोल रहे हो ऐसा नहीं बोला ना उन्होंने, उन्होंने कहा दिल्ली बात करो, ये सवाल दिल्ली से पूछो। ठीक है देखिए हमारे नौजवान है अभी, बच्चे की खुशी जोशी जी के चेहरे पे ज्यादा दिखाई दे रही है, करण बेरा जी के चेहरे पे कम दिखाई दे रही है। अंदर की खबर ये है जो बात बेची बता रहे, मैं तो यही जानना चाह रहा था, मुझे मैं तभी बार बार कह रहा था अंदर की खबर यही है कि प्रदेश अध्यक्ष नाराज है, कह रहे कि उनका फाइनल क्यों हुआ, मतलब यहाँ जोशी जी खुश है कि भतीजे का फाइनल हो गया, यही बात है बीरेन जी? जी 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 जोशी जी का तो इसने रहा है, हमारा भी भतीजे पे इसने रहा था। हाँ। लेकिन हो उसी का रहा है जिस पर जो है इनकी मुस्कुराहट बता रही है। हाँ, मतलब कप्तान इसलिए परेशान है कि इनका क्यों हो गया? नहीं नहीं कप्तान कतई परेशान नहीं, कप्तान हाँ। तो हमेशा उन्होंने तो समर्थन ही किया है, कहीं कोई नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन किसी सवाल का जवाब कितनी बार आ सकेंगे, हमने कह दिया था अनाउंस दिल्ली ने करना है, अध्यक्ष जी ने कहा कि दिल्ली से पूछ लीजिए। हाँ। अच्छा बीरेन जी आपको लगता है कि अब बवाल ज्यादा होगा या मामला सब कुछ जैसे आप बता रहे थे कि आपने देखा कि माला ज्यादा गले में पड़ रही है पिता से ज्यादा पुत्र के? नहीं नहीं वो तो देखो जैसे अभी जोशी जी ने इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार तो कर ही लिया है कि उनको भी मालूम है और उमा जी को भी बता दिया गया है, इंटरनली इन्होंने सबको बता ही दिया है, और जब उनका कार्यक्रम कल डिक्लेयर हुआ था तो उसमें वीरेंद्र रावत का जिक्र था, तो ये आवाज सभी को हो गया जो रांची में लोग रहते हैं कि वीरेंद्र रावत को ही टिकट मिल गया है, ये मिल रहा है उसको बता दिया गया है कि जाइए। तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना? हमारे लिए तो देखो स्पष्ट तिलक जी, चाहे पिता आए चाहे पुत्र आए चाहे अपने इनके प्रदेश अध्यक्ष जी आते चाहे कोई और आता, तो हमको तो सामने जो भी व्यक्ति है हमें तो अपने कमल के चुनाव चिन्ह को जनता तक पहुंचाना है, और हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई कोई मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, कोई अनसीरियस इलेक्शन नहीं करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है जोशी जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे, कांग्रेस में जो दराहत है जो कांग्रेस में टूटन हो रही है, कांग्रेस में अभी भी लोगों में नेतृत्व में अभी भी एकजुटता नहीं आ रही है, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अलार्म है भविष्य के लिए। उमा जी ये वाकई में अलार्म है कि भाई चाहे कुछ भी हो बड़े बड़े चेहरे पहले ऐलान करते हैं कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, और दूसरी तरफ जब बात आती है उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे की कि भैया आप हरिद्वार लड़िए, वो कहते हैं मैं भी नहीं लड़ूंगा बेटे को लड़ाओ, आपको लगता कि जहां पर फ्रंट पर आकर हरीश रावत को लीड करना चाहिए था अब वो पीछे हट गए? देखिए बीजेपी हमेशा इस बात से पिछले कम से कम 1.5-2 महीने से हर डिबेट में एक ही बात कि इनके पास तो लोग नहीं है, कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई कहे नहीं लड़ाने के लिए, किसको लड़ाए, सबने मना कर दिया सबने मना कर दिया, और अब जब प्रत्याशी घोषित होने में लेट हो रही है, विचार विमर्श चल रहे हैं, तब इस बात से परेशान है कि आपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, इसका मतलब कांग्रेस के पास लोग हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से किसको टिकट दिया जाए, तो दोनों ही तरफ से बीजेपी वाले परेशान रहते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल
बिल्कुल बाहर की बात है। मैंने आप ही कह रहे हो कांग्रेसियों के पास लोग हैं चुनाव में लड़वाने के लिए, वो लड़ना नहीं चाह रहे। कांग्रेस के पास इतने ज्यादा लोग हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अच्छा, वहाँ पे इस तरह से नहीं चल पा रही। आपके सामने अभी तो जोशी जी कह रहे थे कि फादर हरीश रावत जी ने करना था, उसको हटा दो। नहीं नहीं, उमा जी सुना नहीं आपने। आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के लिए है। नहीं नहीं, आंतरिक लोकतंत्र हमने देखा है कांग्रेस कार्यालय में, कई बार देखा है मैंने खुद अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं कि फाइनल, और हरीश रावत वो कह रहे हैं हरीश रावत जी को फाइनल करना था, जोशी जी कह रहे हैं। देखिए अगर हरीश रावत जी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, तो कहीं ना कहीं आला कमान ने, हाई कमान ने, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के संगठन के, उन्होंने हरीश रावत जी से बिल्कुल डिस्कस किया होगा इस बात को कि किसको लड़ाना चाहिए। आप लड़ लीजिए, उन्होंने कहा मैंने नहीं लड़ना है, नई पीढ़ी को आने दीजिए। तो उन्होंने नई पीढ़ी को टिकट दे दिया, इसलिए मेरे को समझ नहीं, मेरी पीढ़ी को आने दीजिए, नई पीढ़ी नहीं, मेरी पीढ़ी को आने दीजिए। आप एक बात पे जवाब दीजिए चावला जी। हाँ। जब हम किसी सेना के किसी उसकी बात करते हैं कि इनके दादा भी सेना में थे, इनके पिताजी भी हाँ। सेना में थे, इनके चाचा भी सेना में थे, इनकी बुआ जी भी सेना में थी, और ये सैनिकों का परिवार है, और बच्चे भी सेना में जा रहे हैं, उनके हाँ। बच्चे भी सेना में जा रहे हैं, तो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर एक राजनीतिक परिवार में अगर परिवार की पीढ़ियां राजनीति में आकर देश सेवा कर रही है, तो उसमें इतना बुरा क्यों? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन तब जब मथुरादास जोशी जैसे कार्यकर्ताओं को हक न मारा जाए। मैं आपके साथ हूं। वो तब जब उमा सिसोदिया जैसे चेहरों का हक न मारा जाए, जिन्होंने पूरी जिंदगी, पूछिए कितनी उम्र गुजर गई, कितनी उम्र गुजर गई, पूछिए जोशी जी से, पूछिए ना जोशी जी से, पूरी उम्र गुजर गई, विधायकी तक का टिकट नहीं मिला, और सबसे ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में आपको यही दिखाई देंगे। मतलब हक आप उन्हीं को दे रहे हो, विधायकी का टिकट भी उन्हीं का, मंत्री का टिकट भी उन्हीं का, मुख्यमंत्री का टिकट भी उन्हीं का, तो मथुरादास जोशी जैसे कार्यकर्ता गए का डंडा और झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए? मैं ये कह रहा हूं उमा जी, आपके पास से सहमत हूँ चावला जी, और मैंने पहले भी बोला कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कमोबेश हर पार्टी की यही हालत है। इसमें सिर्फ ये इसमें कोई परहेज नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, वकील का बेटा वकील हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैमाना तय हो ना काबिलियत के आधार पर, विषय ये है। खैर, वो मथुरादास जोशी के घर का मामला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वीरेन जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर फाइनल कमेंट मथुरा जोशी जी आपका। जी वीरेन जी, कांग्रेस को बधाई दे सकते हैं, देर सवेर जब भी उनका कैंडिडेट आए वो सामने आके चुनाव लड़े। हाँ। हम चुनाव लड़ ही रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है, जीतना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीतना, 500 सीटों पर जो हमने कमिटमेंट किया है, जिस कमिटमेंट को आप भी बोल रहे हैं, हम इस स्थिति में है उत्तराखंड में, प्रत्येक सीट पर हम 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि 11,647 बूथों पर हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारी लाभार्थी प्रमुख, हमारे शक्ति केंद्र, हमारे मंडल, हमारा जिला, हमारा प्रदेश सक्रिय हर काम हम कर रहे हैं। मथुरादास जोशी जी ये कह रहे हैं होमवर्क पूरा है, कर रहे हैं, ऐसे हवा में 5 लाख का टारगेट नहीं रखा हमने। फाइनल कमेंट आपका। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलतफहमी में और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, आयातित करके कैंडिडेट ला रहे हैं, क्या स्थिति है आप देख रहे हैं सब जगह। 10 जो सांसद रिपीट हुए हैं उनको अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देना पड़ेगा। लोगों के लिए क्या किया है केंद्र में, सांसदों ने कौन सी मांग ऐसी रखी कि जिससे उत्तराखंड लाभान्वित हो रहा है, कई चीजें का जवाब देना पड़ेगा। जोशी जी अब वो जवाब सवाल सब जो है वो चुनावी रैलियां चल रही है, अपना खूब उठाइए, पूछिए जो मुद्दे है, लेकिन कम से कम योद्धा उतार दीजिए। उमा जी है, कब से कार्यकर्ता तैयार है डंडा और झंडा लेकर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, उतारिए योद्धा जल्दी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेशी आपका भी, जोशी जी आपका भी, और उमा जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो योद्धा हलकान, सेनापति परेशान और सेना हैरान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।